हरि ओ भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम निश्चय दिन नानक जो जपे निश्चय दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम सफल हो वही सब काम हरि ही ओ गीताया श्लोक पाठेन गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत तीर्थकोटि फलम हरि ओ गीता के एकाद श्लोक के पाठ से भगवन नाम कीर्तन से सच्चे साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त होते हैं वहाँ तो मैं हर दिल में ज्ञान स्वरूप से, आनंद रूप से, प्रेमा भक्ति स्वरूप से प्रकट होता हूँ। नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवाहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाहा। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी को कि मनुष्य का परम कल्याण किस में है, मकान मिल गया, रोटी मिल गई, कपड़े मिल गए, ऑफिस मिल गई, जॉब मिल गई, प्रमोशन हो गया, लेकिन ये परम कल्याण नहीं, ये तो देह की सुविधा है, बॉडी की सुविधा है। परम कल्याण इन चीज़ों से नहीं होता, इन चीज़ों से तो शरीर का गुजारा ही होता है। शरीर का गुजारा तो पशु पक्षी भी कर लेता है, शरीर का गुजारा तो जिसको जन्म मिला है वो कर लेता है। शरीर का गुजारा परम कल्याण नहीं है, परम कल्याण है कि इस हृदय में छुपे हुए हृदयेश्वर का खजाना मिल जाए, जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवनदाता में आराम मिल जाए, कुटुंबी शमशान में ले जाएं अथवा कब्रस्तान में ले जाएं, उसके पहले अपने दिल को दिल भर तक पहुँचा दे, इसी में परम कल्याण है। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है परम कल्याण करने के लिए। कर्तव्य दो प्रकार के हैं, एक ऐहिक कर्तव्य और दूसरा परमार्थिक कर्तव्य। जैसे ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटे तत्परता से, ईमानदारी से, उत्साह से काम करना, ये हमारा ऐहिक कर्तव्य है। स्त्री को घर में ऐसे ढंग से रहना चाहिए, जैसी आमदनी उसी ढंग का खर्चा और उसी ढंग की व्यवस्था में अपने गृहस्थी जीवन को ठीक से चलाना, उसका ऐहिक कर्तव्य है। पुरुष का अपना ऐहिक कर्तव्य है, स्त्री का अपना ऐहिक कर्तव्य है, विद्यार्थी का अपना ऐहिक कर्तव्य है। एक विद्यार्थी था, वो 7वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ा। उस विद्यार्थी को करोड़ों लोग नहीं, अरबों लोग जानते हैं, उसकी बात मैं कहने जा रहा हूँ। पूरे विश्व के लोग उस विद्यार्थी को जानते हैं। अपने देहाती गांव की स्कूल से पढ़कर
फिर वो काशी में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में आठवीं कक्षा में भर्ती हुआ। उस विद्यार्थी ने अपने पिता को बताया नहीं, क्योंकि पिता गरीब है, हर रोज स्कूल में जाने के लिए नाव में बैठना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा, और पिता किसान है। उसने तैरना सीख लिया, गंगा पार करके स्कूल में जाते और फिर गंगा पार करके घर जाते। एक दिन कोई टूरिस्ट लोग, कोई सैलानी लोग बोट लेकर उसी इलाके से निकले। सुबह का समय था। उस लड़के को गंगा में, गंगा नदी तो बहुत विशाल और वो भी काशी में गंगा यमुना संगम होने के बाद तो गंगा और विशाल रूप ले लेती। उस विद्यार्थी को धारा में बहते देखकर टूरिस्टों ने बोट वहाँ भगाई, उसका हाथ पकड़ के अपनी नाव में ले आए। बोले तू क्यों डूब रहा था? बोले डूब नहीं रहा था, मैं तो परले किनारे जा रहा था। बोले परले किनारे जाने के लिए तू नाव में क्यों नहीं बैठ जाता था? बोले नाव में बैठता हूँ तो हर रोज आने जाने के पैसे देने पड़ते, महीने में इतने सारे रुपये हो जाते हैं, मेरे पिता गरीब किसान हैं, तो पिता को टेंशन करना ये पुत्र का कर्तव्य नहीं, अपितु पिता के हाल के अनुसार अपने जीवन को ढालकर पुरुषार्थी होकर पिता के टेंशन को उतारना ये पुत्र का कर्तव्य है। उस बच्चे का नाम था लाल बहादुर, आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। तुम आत्म साक्षात्कार कर लो, अल्लाह का दीदार कर लो, राम का दीदार कर लो, कृष्ण का दीदार कर लो, विट्ठल का दीदार कर लो, अकाल पुरुष का अनुभव कर लो, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। लेकिन तुम अपने गृहस्थी जीवन में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से, कोमल हृदय से, सदाचार से, चाहे फिर तो तुम्हारा कुटुंबी हो चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, जैसे कुटुंब में स्नेह सदाचार की आवश्यकता है, एक दूसरे के अनुकूल होने की आवश्यकता है, ऐसे पड़ोस का भी हमारा कर्तव्य है, राज्य का भी हमारा कर्तव्य है, देश का भी हमारा कर्तव्य है कि अपने देश की उन्नति और अपने देश के लिए हमारे हृदय में प्रेम और वफादारी हो। तो ये ऐहिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। ऐहिक कर्तव्य में जो आदमी तत्पर रहता है वो सामाजिक ढंग से और व्यवहारिक ढंग से अपने आप में जरा संतुष्ट होता है। जो देश से गद्दारी करते हैं अथवा कुटुंबियों से या पड़ोस से गद्दारी करते हैं, उनके अंतःकरण में कुछ न कुछ खलबली चलती रहती है। ऐहिक कर्तव्य के साथ साथ आध्यात्मिक कर्तव्य, जीसस क्राइस्ट जब रोम में गए भारत के योगियों से और विद्वानों से संपर्क साध के 17 साल तक, मैंने सुना है रामतीर्थ और उनके कई उपदेशों में भी ये बात आती कि जीसस जब रोम में गए तो वहाँ का केसर बादशाह था, जीसस को वेलकम करने के लिए उन्होंने रोम सजाया। जीसस ने भारतीय योग विद्या के अनुसार कुछ चमत्कार दिखाए, बहुत लोगों ने उनको माना। बाद में उनकी बगावत शुरू हुई, योग शक्तियाँ क्षीण हो गई, फिर लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे। कुछ ऐसे लोगों ने जीसस को बोला कि तुम्हारा उपदेश का सार क्या है? जीसस अच्छे महात्मा थे, सज्जन थे। जीसस ने कहा यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। अब जीसस ने राजाओं का राजा हो ऐसा कहा, उसके पीछे जीसस आत्मदृष्टि का कर्तव्य बता रहे हैं। लेकिन उच्छलंक लोगों ने कहा हम राजाओं के राजा हैं, मजाक उड़ाई जीसस की। जीसस को घेर लिया उच्छलंक लोगों ने, हम अगर राजाओं के राजा है तो तुम बताओ हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें या न करें, केसर भाषा को टैक्स दें या न दें। अगर टैक्स न दें, ऐसा जीसस बोलते हैं, तो जीसस बगावत खोरों में गिने जाएंगे और राज्य दंड इनको दिलाया जाएगा। अगर जीसस कहते हैं कि टैक्स दो, तो जीसस को फिर हम अभी प्रश्न करते हैं कि हम किंग ऑफ किंग होकर फिर टैक्स क्यों भरें। लेकिन जीसस साधु संतों के संग से विलक्षण प्रज्ञावान हो चुके थे।
जीसस ने अपने जेब में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला। वो सिक्का उन उच्छलंक व्यक्तियों को दिखाते हुए पूछा कि इस पर मोहर किसकी है? अपने यहाँ रुपया, वहाँ की जो करंसी है उस पर मोहर केसर बादशाह की थी, तो इस पर मोहर किसकी है? बोले इस पर मोहर केसर बादशाह की, तो इस पर मोहर केसर की है तो ये केसर को टैक्स में दो, लेकिन आत्मा पर मोहर परमात्मा की है इसलिए आत्मा को परमात्मा में लगा दो। तो तुम्हारा एक ऐहिक कर्तव्य होता है और दूसरा वास्तविक कर्तव्य होता है। ऐहिक कर्तव्य से शारीरिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ, सोफा पे आराम कराओ, मर्सिडी गाड़ियों में और ब्यूक में घुमाओ, आखिर शरीर दफना दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा अथवा पानी में बहा देंगे तो जलचर खा जाएंगे और विष्ठा बन जाएगी, या तो राख बन जाएगी या तो बैक्टीरिया बन जाएंगे और सड़ जाएगा मांस। शरीर तुम्हारा राख बन जाए अथवा बैक्टीरिया बन जाए अथवा जलचरों के हवाले हो जाए, उसके पहले तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। संत तुकाराम महाराज बैठे थे, साधन भजन करके शांत मना बैठे थे। उस महापुरुष ने अपने आप से सवाल पूछा, मना जग में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, तुम्ही शोधुनी पाए है, जगत में सर्व प्रकार से सुखी कौन है? उस महापुरुष ने देखा, कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है, कोई शादी के लिए दुखी है तो कोई शादी से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है, कोई बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी है तो कोई उच्छलंक बच्चों से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन के टेंशन से दुखी है, कोई सत्ता के लिए दुखी है लेकिन कोई तो सत्ता का नाग समझकर दुखी है, लेकिन छोड़ी भी नहीं जाती, संभाली भी नहीं जाती। तो संसार में सब दुखी दुखी हैं, सब प्रकार से कौन सुखी है? ऐसा तुकाराम ने अपने आत्मा में ही प्रश्न फेंका और समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उस महापुरुष की इंद्रियां मन में लीन हुई, मन बुद्धि में, बुद्धि जीव में और जीव सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा में लीन हुआ और अंदर से उन्होंने अनुभव किया, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, मना तुम्ही शोधुनी पाए। मन शोधने गया, खोजने गया, खोजत खोजत गयो कबीरो हेराई, खोजते खोजते मन का मनन भाव शांत हो गया और उस ब्रह्म भाव का, उस परमात्मा का जो मुख्य कर्तव्य पालना है जीव को, उसकी अनुभूति हुई। और तुकाराम ने कहा, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्यत हरिरेव जगत, वही आदमी वास्तव में सुखी है। जिसने अपनी दृष्टि ज्ञानमय करी है, जिसने अपने वास्तविक मैं को जाना है, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, में खुद पे मस्ताना हो गया। रामतीर्थ कहा करते थे, अगर खुद पर तुम मस्ताने नहीं होगे, खुद मना वह वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक मैं, वास्तविक अपना आपा, सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, नानक जी ने, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, मेरा नाम सुरजीत सिंह, किथे सी सुरजीत सिंह, ए तड़ा टोपा है, ओ ए तारी छाती है प्राहो, ए बाबा जी ए सुरजीत, ओ ए तेरा कंधा है, ए ए ए तेरा स्टमक है, पेट है, सुरजीत किथे सी, ओ मिला जुला के, वो मिला जुला के इस हाड़ मास के पिंजर का नाम रख दिया है, वास्तविक में तू अपने मूल को पहचान। अगर सुरजीत सिंह की जगह पर तेरा नाम गोविंद सिंह रख दे अथवा अर्जुन सिंह रख दे अथवा ज्ञानी जी रख दे अथवा जैल सिंह ही रख देते तो तू अपने को जैल सिंह मानता, जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। तो ये सुना सुनाया नाम है, मेरा नाम इकबाल है, मेरा नाम फिरोज है,
मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम कौशिक है, मेरा नाम कौशल्या है, मेरा नाम मथुरा है। मथुरा तो कोई रखता ही नहीं नाम जयराम जी के। तो ये नाम तुम्हारा नहीं, शरीर का नाम है, व्यवहार चलाने के लिए रखा गया है। तुम वास्तविक में क्या हो उसकी अगर तुम्हें खबर पड़ जाए, 3 मिनट तक उसकी मुलाकात हो जाए, तो तुम्हारी निगाह जिस पर पड़े वे भी निष्पाप हो जाएंगे। तुम इतने महान हो, तुम इतने पवित्र हो। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते, उस आत्मज्ञान के बराबर जगत में पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं। गंगा यमुना तीर्थ और पवित्र स्थान पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जिसको आत्मज्ञान हुआ है ऐसे महापुरुष की चरण रज से वे स्थान पवित्र बने हैं और वे स्थान तीर्थ बने हैं। जैसे गंगा जी गंगोत्री से चलती है, उससे भी थोड़ा आगे गौमुख से चलती है और कलकत्ता तक, फिर भी जिनको स्नान करने की इच्छा होती तो वे हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार में कंखल भी है और सप्त सरोवर से आगे भी तो गंगा है। लेकिन कोई पर्व होता है तो पहाड़ी के लोग जहाँ से गंगा गुजरती है वहाँ के लोग भी हरिद्वार नहाते हैं, और हरिद्वार से पीछे के लोग भी जाकर मेरठ आदि वाले लोग भी हरिद्वार में नहाते हैं। कहाँ पर? हर की पैड़ी पर। क्योंकि राजा मानधाता ने वहां ध्यान किया था, समाधि की थी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ब्रह्मदेव अगर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए, इस जगह का नाम ब्रह्मकुंड पड़े, और दूसरी बात यहाँ जो गंगा में स्नान करे उसको विशेष आह्लाद विशेष आनंद का अनुभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। मानधाता ने वहां ध्यान किया है, अपने आप में विश्रांति पाई है, इस कारण गंगा जी तो गंगा जी लेकिन उस जगह को तीर्थत्व का महत्व प्राप्त हो गया। ऐसे ही जिसने अपने आप को जाना है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है जिनके संपर्क में आता है वे वस्तु वे व्यक्ति भी महान होने लगते हैं। अपने आप के अनुभव की महिमा ऐसी है। नानक जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। सिख धर्म ने ब्रह्मज्ञान की महिमा अपने ढंग से कही, तो जैन धर्म ने अपने ढंग से। जैन धर्म में जो महापुरुष हो गए जिन्होंने आत्मा में विश्रांति पाया, देह को मिथ्या समझा, जगत को निसार समझा, कितना भी कमाओ कितना भी रखो कितना भी संभालो कितना भी मकान बनाओ अंत में तो राख हो जाएगा, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। जिन्होंने सत्य का संग किया, सत्य आत्मा है शरीर मिथ्या है, असत्य नहीं मिथ्या, मिथ्या उसे कहते हैं जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी दिखता है, ये फूल पहले नहीं था एक हफ्ता पहले नहीं था हफ्ता के बाद में नहीं रहेगा, ऐसे ये बॉडी रूपी फूल 55 साल के पहले नहीं था और 50 साल के बाद नहीं रहेगा अभी दिखता है। तो ये शरीर रूपी फूल तो दिखता है खिलता है मुरझा जाता है, लेकिन आत्मा तो पहले भी था अभी भी है, शरीर मरने के बाद भी रहेगा, तो वह सत्य है और शरीर मिथ्या है। जो जिसने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव किया ऐसे पुरुषों को जैन धर्म में तीर्थंकर की उपाधि मिली। तीर्थंकर मीन्स तीर्थ मेकर, तीर्थ बनाने वाले। तो जिनों के हृदय में वह मुख्य कर्तव्य पूरा हो जाता है ऐसे पुरुष आप भी तरते हैं और उनके संपर्क में आने वालों को भी तारते हैं। ऐसे पुरुष आप भी आनंदित और प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी आनंद और प्रसन्नता से पावन करते हैं। ठट्ठा मस्करी का हास्य मस्करी ये प्रसन्नता नहीं, ये एक प्रकार की खुशी है। प्रसन्नता तो पवित्र कर्म का फल है जयराम जी की। प्रसन्नता में और खुशी में फर्क है।
कुत्ते को रोटी का टुकड़ा अथवा डब रोटी का झूठा टुकड़ा डाल दो, वो खुश हो जाएगा। जयराम जी की, किसी बहरे को 5 रुपया टिप दे दो, वो खुश हो जाएगा। किसी महात्मा को तुम प्रणाम करो अथवा उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, वे खुश नहीं, वे प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता की निगाह से तुम्हारे अंतःकरण का फूल खिलने लग जाएगा। ये प्रसन्नता है, इस प्रसन्नता से सारे कलमश धुल जाते हैं। इसी कारण से हम लोग महापुरुषों के दर्शन का महात्मन पखानते हैं, जानते हैं और जाते हैं। अमेरिका की डेलावेयर प्रयोगशाला में विज्ञानियों ने प्रयोग किए, जो ऐसे प्रसाद को पाए हुए हैं, आत्मज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषों के दर्शन से, ऐसे पुरुषों के सानिध्य से क्या लाभ होता है। डेलावेयर प्रयोगशाला के विज्ञानियों ने सिद्ध करके दिखाया कि जो घृणा से भरे हैं, ईर्ष्या से भरे हैं, शोषण से भरे हैं, अशांति से भरे हैं, स्वार्थ के पुतले हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आने से 1500 जैसे श्वेत कण एक घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण नष्ट हो जाते हैं। जो आत्मसुख से भरे हैं, जो सोल के एक्सपीरियंस से भरे हैं, परमात्मा के अनुभव से मुख्य कर्तव्य में जो सफल हुए हैं, ऐसे पुरुष के संपर्क में आने से प्रत्येक घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 श्वेत कण क्रिएट हो जाते हैं, जिससे आरोग्यता और पुण्याय का प्रभाव पड़ता है। इसी बात को नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, साध जना मिल हर जस गाये। ऐसे जो साधु हैं, साधु का मतलब जिसने परम कार्य, मुख्य कार्य साध लिया है, उसको साधु बोलते हैं। बाकी के साधु अभ्यासी हैं, साधु वेश धारण करके साधुताई का अभ्यास करना भी अच्छा है, धन्यवाद है, लेकिन उनको तो बार बार प्रणाम है जिन्होंने परम कार्य साध लिया है। तो एक ऐहिक कार्य है तुम्हारा, शादी विवाह किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, ये तुम्हारा ऐहिक कार्य है। ऐहिक कार्य तुमने कितना भी कर लिया, लेकिन तुमने मनुष्य जन्म का फायदा पूरा नहीं उठाया। ऐहिक काम तो कौवा भी कर लेता है, अपने बच्चों को चारा चरने की ट्रेनिंग कौवी भी दे देती है, कौवा भी दे देता है, बतख भी दे देती है, मोर और ढेल और मुर्गियां भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे देती है, पेट भरने की ट्रेनिंग तो बच्चों को कुत्ते घोड़े गधे कौवे भी दे देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल में दिल भर के ज्ञान को भरने की ट्रेनिंग आप भी पाले और बच्चे को भी दिला दे, वो परम कर्तव्य है। जब तक परम कर्तव्य नहीं पाला, जब तक परम कर्तव्य नहीं पाला, तब तक चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, चाहे कितना भी कुछ पाले, चाहे कितना भी कुछ घूम ले, चाहे कितना भी अपने को कुछ मान ले, ये माना हुआ अपना मैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं सेठ हूँ, मैं साहब हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन ये मैं मृत्यु का झटका आते ही कब्रस्तान में पहुँच जाएगी, मृत्यु का झटका आते ये मैं शमशान में पहुँच जाएगी। ये तुम्हारा आर्टिफिशियल मैं कितना भी सजाओ, लेकिन इस मैं की कोई मौत के झटके के बाद कोई वैल्यू नहीं। तो एक तुम्हारा कल्पित मैं है, आर्टिफिशियल मैं है, और दूसरा तुम्हारा वास्तविक मैं है। क्या नाम है कि साईं मां लक्ष्मण, क्या नाम है कि साईं में फलाना, तो ये लक्ष्मण दास नाम शरीर का रखा, ये आर्टिफिशियल मैं है, जयराम जी की। और मां मैं जहां से निकलता है उसका कोई नाम नहीं, उसी की सत्ता से नाम आते। उस वास्तविक मैं को जो जानता है उसने मुख्य कर्तव्य पाल लिया। मुख्य कर्तव्य पाल लिया तो 3 मिनट भी उस मुख्य स्वरूप में टिक गए,
दोबारा जन्म नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं सतरति लोकांतार्यति, वह तो तर जाता है, दूसरों को तार लेता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। तस्य तुलना केन जायते, अष्टावक्र महाराज जनक को कहते हैं, उस ब्रह्मज्ञानी की तुलना तुम किससे करोगे? तस्य तुलना केन जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? प्राचीन इतिहास की एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक आदमी कमाता था और मनमाना खर्च करता था और मनमाने ढंग से कमाता था, खूब पीता था। विज्ञानी बोलते हैं कि दारू पीने से, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने जाहिर किया है कि जिस दारू में जितना ज्यादा अल्कोहल उतना ज्यादा नशा। जयराम जी की, दारू पीने वाले के शरीर में उसके खून में अल्कोहल का असर रह जाता है। अगर शराबी ने बेटे को जन्म दिया है तो उसके बेटे को आंख का कैंसर हो सकता है। अगर बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो तीस के बेटे को होगा, तीस को नहीं हुआ तो तीस के बेटे को हुआ, तीस को नहीं हुआ तो उसके बेटे को, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को, मतलब 10 पीढ़ी तक के बेटों को आँख का कैंसर हो सकता है, ऐसा जीव विज्ञान का कहना है। जब बोतल की शराब से 10 पीढ़ियां बर्बाद हो सकती है तो जिसने मुख्य कर्तव्य पाला है, ऐसे महापुरुष के संपर्क में आकर जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मूलाधार केंद्र में आध्यात्मिक व्यवस तैयार होते हैं। हताशा निराशा दूर हो जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है, उत्साह आनंद तो बढ़ता है, साथ साथ में हमारे आध्यात्मिक कण ब्लड में आ जाते हैं। जब बोतल की शराब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है तो हरिनाम की शराब से 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए तो क्या आश्चर्य। सात बार, केवल तुम सात बार अपना ब्लड चेक करने के लिए दे आओ और सात बार विधिवत हरिओम का उच्चारण करो, देखिए आपके रक्त में कितना परिवर्तन आप पाते हैं। नानक जी ने कहा, नाम नशे में नानका बुडो रह गए रात, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निशदिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। आप जब हरि ओम का उच्चारण करते हैं तो मूलाधार केंद्र में जहाँ काम है, भय है, शोक है, घृणा है, ये काम राम में बदलता है। मोहनलाल करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी से हम लोग जानते हैं, उन्होंने लिखा कि मेरे पिता की जब डेथ हुई तो मेरी काम वासना उन दिनों में ऐसी थी कि मैं अपनी पत्नी के बिस्तर पे था। ऐसे आदमी जब राम नाम की प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, उनका मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो जाता है। राम काम काम जो है राम में बदलता है, तो वे ही मोहनलाल करमचंद गांधी 40 करोड़ भारतवासियों को तारणहार भी तो सिद्ध हो गए। तो तुम्हारे अंदर वो शक्तियां पड़ी है, अगर वासना के तरफ बहता है तो जीवन तुच्छ हो जाता है, और वही पुरुषार्थ और परमार्थ के तरफ धारा मुड़ जाती है तो जीवन का फूल खिलता है। तू गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने, मेरे गुरु लीलासा प्रभु ने मुझे बुलाया एक बार नैनीताल के जंगलों में, मेरे को गुलाब का फूल दिखाया, बोले ये क्या है? मेरे गुलाब का फूल इन गुलाब जे गुलक है के दुकान ते वनी रख, किसी दुकान पर जाकर रखो, दुकान में करियाने की दुकान में जाकर रखो, खंड ते रखो, गुड़ ते रखो, घी ते रखो, मिर्च मसालन जे अलग अलग दबन ते रखो, बेसन और मैदे की बोरी पे भी रख, बाद में इसको सूंघेगा तो सुगंध किसकी आएगी? मैदे की आएगी, बेसन की नहीं। मैंने क्या, सुगंध तो गुलाब की ही आएगी। बोले संसार में तुम ऐसे रहो जैसे गुलाब का फूल, सबसे मिलो लेकिन अपनी आत्मा की सुगंध औरों को देना, औरों की कोई खटपट अपने दिल में मत लाना।